अच्छी बात है, इंडिया ने उनकी हर बात का मुंह तोड़ जवाब दिया है। इवन के हमारे पाकिस्तान को भी कुछ ऐसा करना चाहिए, उनके जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी हमारे मुल्क के पास भी होनी चाहिए। बिल्कुल जी, आपको क्या लगता है सर कि इंडिया की जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी और जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब देता है इंडिया, किसी से डरने वाले वो है नहीं। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने डेवलप्ड कंट्री के बारे में ऐसा कुछ कर दिया जिसे सुनकर पाकिस्तानी मीडिया भी सदमे में आ गया है। क्या डिफरेंस है हमारी फॉरेन पॉलिसीज में, हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स में इंडिया और पाकिस्तान? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ लॉन्ग डिबेट, ये एक लंबी बहस है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन आवर फॉरेन मिनिस्टर्स एंड द इंडियंस, दे आर फार अवे, बहुत बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस, वही तो पूछ रहे हैं। पहले तो डिफरेंस ये है कि हमारा कोई फॉरेन मिनिस्टर कभी सस्टेन ही नहीं करता, वो रुकता ही नहीं कुछ अरसा कि वो अपनी जगह पे खड़ा हो सके। वो छः महीने बाद रिजीम चेंज होती है या कोई ऐसी इंसिडेंट होता है या कोई फेवरेटिज्म होता है कि हमारे जो ऊपर वाले पॉलिटिशियंस हैं या जो हमारी सीनियर टॉप लीडरशिप है वो उसको चेंज कर देती है। अगर एक बंदा एक जगह रहेगा, हिनर बानी खा रही थी या जो लोग भी पीछे रहे या जो आते रहे या शाह महमूद कैशी साहब थे या जो भी आते रहे, लॉन्ग टाइम लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे, दूसरों को भी पता होगा यार इससे बात करेंगे तो कोई प्रोजेक्ट पे हम इस पे बात करेंगे, लंबी बात जाएगी। देखें, दूसरों को तो पता होगा कि वो ट्रस्ट करेंगे, वो तो ट्रस्ट करें कंट्री पे, लेकिन जो खुद कर रहा है उसको भी पता होगा कि मैं जो किसी से कमिटमेंट कर रहा हूँ या जो मैं पॉलिसीज ला के डेवलप करूंगा वो इस कंट्री के लिए लॉन्ग टर्म होगी। वो छह महीने बाद या तीन महीने बाद अगर साल बाद भी चेंज हो जाता है तो उसकी पॉलिसीज तो बीच में रहती है जो उसने चलाई होती है। बिकॉज इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम टू हैंडल द सिचुएशन इंटरनेशनली, आप कोई छोटी मोटी डील भी करें तो वो बहुत दूर तक चल जाती है। दोस्तों, हाल ही के एक इंटरव्यू में डॉक्टर जयशंकर साहब से एक रिपोर्टर पूछता है कि आप रशिया और यूक्रेन युद्ध में किसके साइड है, अगर आप ऐसा बता देंगे तो कोड ग्रुप में आप लोगों के बीच एकजुटता बनी रहेगी। तो डॉक्टर जयशंकर साहब उस रिपोर्टर से कहते हैं कि कोड के बाकी सारे मेंबर हमारे ऑफिशियल मैप को भी नहीं मानते हैं और उनकी मीडिया हमारी ऑफिशियल मैप को भी एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर वो पहले हमारी ऑफिशियल मैप को एक्सेप्ट कर ले तो फिर हम उन्हें बता देंगे कि हम रशिया और यूक्रेन युद्ध में किनके साथ है, जिससे कि हम लोगों के बीच में एकजुटता और ज्यादा बनी रहेगी और हम सब मिलके दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे, क्योंकि जिससे दुनिया में बाकी सारे जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, इन लोगों को भी हम मदद कर पाएंगे। लेकिन कोड के बाकी सारे मेंबर ऐसा नहीं चाहते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि इंडिया को नीचा दिखाना और अपना फायदा ही हमेशा सोचते हैं। पूछा यार हम आपको फाइन करेंगे, आपने कहा आप हमें, इंडिया ने बोला हमें क्यों फाइन करोगे, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है शंकर करके उनका नाम है, उन्होंने बोला यार हम जो मर्जी करें अपने मुल्क में इंडिपेंडेंट है, अगर आप चाहते हैं कि हम इनसे तेल लेना बंद कर दें तो आपकी बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज है जो रशिया से गैस ले रहे हैं, उन पे मुल्क चलते ही गैस पे क्योंकि वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, वो गैस बंद करें तो हम उनसे तेल लेना भी बंद कर देंगे। सिंपल सी बात है यार, उनकी फॉरेन पॉलिसी इसलिए आज़ाद है, उनको पता है हमने रहना कैसे है। रही बात है, आप देख लें यूरोप में जितने भी कंट्रीज आपस में कैसे मिलजुल के रहते हैं, वो जितना भी जंगजू सामान है, जो भी गंदी चीज़ें हैं, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना आपस में, इनको आपस में लड़ा रहे हैं, खुद वो खुशहाल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उनके, अच्छी बात है, इंडिया ने उनकी हर बात का मुंह तोड़ जवाब दिया है। इवन के हमारे पाकिस्तान को भी कुछ ऐसा करना चाहिए, उनके जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी हमारे मुल्क के पास भी होनी चाहिए। बिल्कुल जी, आपको क्या लगता है सर कि इंडिया की जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी और जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब देता है इंडिया, किसी से डरने वाले वो है नहीं, तो आपको क्या लगता है कमिंग फ्यूचर में इंडिया कितना लीड करने वाला है? यार इंडिया ना, जैसा कि आप देख रहे हैं जिस तरीके से वो खुद को ग्रो करता जा रहा है डे बाय डे, मुझे लग रहा है इंडिया आने वाले वक्तों में दुनिया की तो नहीं, एशिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। अगर हम इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों मुल्क आपस में लड़ाई छोड़ के ना मिलके काम करें तो यूरोप की तरफ कोई मूव भी नहीं करेगा। जैसे हमारे आजकल के बच्चे कहते हैं हमने यूरोप जाना, तो यूरोप के बच्चे कहेंगे यार हमने एशिया जाना है, वहाँ पे काम ज़्यादा अच्छा हो रहा है। हमारे पास यार दुबई भी है, इतनी बड़ी पोर्ट है हमारे पास, हमारे पास अपना जो कराची के पास जो एक सी पोर्ट है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, तो क्यों ना हम सारे अगर मिलके काम करें ना तो यूरोप को मुंह तोड़ जवाब मिल सकता है यार। जयशंकर साहब का भारत को लेके एक बहुत कड़ा ही रुख है, उनका मानना है कि भारत के पक्ष में जो कुछ भी होगा भारत वो करेगा, वो किसी भी देश के आगे में झुकेगा नहीं और किसी भी देश के हित के लिए काम नहीं करेगा, इंडिया के जो भी हित में होगा वही काम करेगा। ये देख के पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा रोने लगी। उनका मानना है कि हिंदुस्तान जो कुछ भी कहता है अमेरिका और बाकी सारी डेवलप्ड कंट्री आंख बिछा के सुनती रहती है, जबकि हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या डिफरेंस है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और इंडिया इतना डेवलप होता जा रहा है, रिस्पेक्ट क्यों है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड में इंडिया की?
यार इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो तो आपकी इकॉनमी मैटर करती है, ठीक है, आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपकी कंट्री की मैटर करती है, आपकी इकॉनमी मैटर करती है, वो एक दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट्स में से एक है, ठीक है, आईटी में उनकी ग्रोथ आप दे सकते हैं, इकॉनमी स्टेबिलिटी बेशक उनकी इंटरनल पॉलिसीज जो हैं वो गंदी होंगी, वो अपनी आवाम के साथ जाती हैं करते होंगे, सेम गोज विद पाकिस्तान इकॉनमी एंड पॉलिटिकल डिसीजन एज वेल, बट जब बात आती है इंटरनेशनल लेवल पर तो वो आईटी में भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे, कोई ऐसी एक अपना फील्ड आप जिसमें वो हमसे आगे ना हो, आईटी से लेके हर फील्ड में वो हमसे आगे हैं, इसीलिए लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे और डिसीजंस में लोग उनको इसलिए आगे रखते हैं। सेकंडली आपकी जब एक आपकी पॉलिटिक्स पूरी की पूरी कंट्री की रिजीम चेंज पे हो या डिपेंड कर रही हो डिसीजंस पे अमेरिका के, तो वो आपको क्यों इज्जत देंगे, तो ये सारी चीज़ें इन चीज़ों पर मैटर करती हैं, जब आपकी कंट्री की वोटिंग पावर कोई ना हो, आपकी अपनी ग्रोथ पावर कोई ना हो, इंडस्ट्री कोई ना हो, एजुकेशन ना हो, तो फिर कोई इस चीज़ पर मैटर नहीं करती हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि इंडिया फाइनेंशियल तौर पर अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया हुआ, इसमें वर्ल्ड वाइड उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई बहुत सारे, बिल्कुल ऐसा ही है उनकी इकॉनमी देखें अगर आप, ठीक है वो पाकिस्तान के हिसाब से उनकी आबादी हमसे मोर देन 150 टाइम्स मोर देन है पाकिस्तान से, तो इस लिहाज से यहाँ पर फैक्टर नहीं करना करती भाई, अगर आप इसराइल की बात करेंगे तो छोटा सा मुल्क की बात करें इकॉनमी के लिहाज से तो फिर वो हमसे बहुत ज़्यादा बेटर जा रहे हैं इस टाइम, वो ग्रोथ में है, डॉलर उनका स्टेबल है, पाकिस्तानी करेंसी से वो बहुत ज़्यादा बेहतर है हर चीज़ में, सेक्टर में अलग हैं, आई टी एजुकेशन में अलग हैं पूरी, मतलब अगर आप बात करें प्लेटफॉर्म पर अपना, तो हॉटमेल से आप लेके डेवलपमेंट्स में देके अपना कंस्ट्रक्शन साइट से लेके जिस इंडस्ट्री की आप बात करेंगे टॉप ऑफ द 3 इंडस्ट्रीज पर्सन ओवर देयर, ठीक है, वो किसी ना किसी इंडस्ट्री में बैठे होंगे। पाकिस्तानी लोगों को और पाकिस्तानी मीडिया को डॉक्टर जयशंकर साहब बहुत ही पसंद है, क्योंकि उनका मानना है कि डॉक्टर जयशंकर साहब अपने देश के हित में जो भी फैसला लेते हैं वो उस पर अड़े रहते हैं, वो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर की तरह नहीं होते हैं जो कि कभी एक बात बोलते हैं कभी दूसरी बात बोलते हैं और बाकी जगह जाके उनकी कोई इज्जत नहीं होती है। इंडिया की फॉरेन रिलेशन में इज्जत इसलिए है क्योंकि वो जो भी बात करते हैं वो उस पर टिके रहते हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आज कुछ बोल दिए कल कुछ बोल दिए। और ये भी उनके फॉरेन मिनिस्टर का कोई भी गलती नहीं है क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, 6-6 महीने पे वहाँ की सरकारें चेंज होती है जिसके कारण हर 6 महीने बाद दूसरा फॉरेन मिनिस्टर आ जाता है। एक फॉरेन मिनिस्टर जो काम कर रहा होता है दूसरा फॉरेन मिनिस्टर के आने के बाद वो सबसे पहले वाले का काम बंद करता है फिर अपना काम चालू कर देता है, यही कारण है कि पाकिस्तान का फॉरेन रिलेशन किसी के साथ अच्छा नहीं है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।